अभिव्यक्ति द एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने नाम चूज किया, तो स्पेशली हम लोग मतलब इस चीज के लिए जो भी बात हम लोग आज करने वाले हैं या कहने वाले हैं या लिखकर जो सुनाने वाले हैं, उसका किसी धर्म विशेष से, जाति विशेष से, लिंग विशेष से कोई वो नहीं है। ये सिर्फ प्रत्येक लेखक की अपनी एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, तो इसीलिए हम लोगों ने इस इवेंट का नाम अभिव्यक्ति द एक्सप्रेशन रखा है। और सबसे बड़ी बात, जब इस इवेंट को हमने स्टार्ट किया, ये जब करने की सोची पूरी टीम ने, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि केवल और केवल ये दो तरह के लोगों के लिए हो, एक जो अच्छा लिखना चाहते हैं, दूसरा कि हाँ जो जो मेरी तरह बहुत अच्छे लिसनर हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं कि यार आप लोग बहुत अच्छा लिखते हैं यार। तो थैंक यू सो मच जितने भी लोग आप लोग आए हैं और आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा साथ दिया है, आप सबका बहुत दिल से बहुत बहुत आभार। तो प्लीज एक बार जोर लगा तालियां हो जाए, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप प्लीज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले। और सर आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पूरी टीम का, टीम के नाइन, अजय जी, मंदीप, विवेक, विजय और सभी लोग, थैंक यू सो मच। और ये अभिव्यक्ति जो है पहला सीजन है जैसे बताया, और इस तरीके के मंच जब आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत थोड़े छोटे लेवल से होती है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाती है। और ये जो प्लेटफॉर्म देता है एक सभी आर्टिस्ट को, प्लेटफॉर्म छोटा हो या बड़ा हो, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म ही होता है। और एक तो क्या है कि आपको एक्सपोजर देता है, कॉन्फिडेंस देता है, आप कहीं भी अपने फन को जाहिर करेंगे तो आपको जो है उसमें जैसे बोलते हैं कि पॉलिशिंग आती चली जाती है। तो बहुत आप लोगों को मैं शुभकामनाएं दूंगा, आज आप बढ़िया परफॉर्मेंस दें। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टैलेंट बहुत है लेकिन वो उसको आगे परस्यू नहीं कर पाते, तो परस्यू नहीं हो पाता है तो फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं, अगर आप बहुत से लोगों से सुनेंगे कि भाई मैंने भी किसी ज़माने में मैं भी लिखता था या गाता था, अभी क्या करते हैं, अभी समय नहीं है, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में 24 घंटे हैं सभी के पास, मेरे पास भी, आपके पास भी, अंबानी जी के पास भी, मोदी जी के पास भी, अडानी जी के पास भी, 25वां घंटा किसी के पास नहीं है। लेकिन ये है, आपका अगर कोई पैशन है, आपका कोई चॉइस है, आपकी कुछ चीज़ें पसंद की हैं, तो आप बिल्कुल उन 24 आवर्स में समय निकाल सकते हैं। अगर कोई ये कहता है कि मैं समय नहीं निकालता, तो वो अपने आप से झूठ बोल रहा है, वो उतना पैशनेट नहीं है। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आज होने वाला है, मुझे पूरी उम्मीद है। तो अजय जी, मैं आपको बुलाऊंगा, प्लीज़ आप आइए, मन संभालिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अब आज का ये अभिव्यक्ति द एक्सप्रेशन हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले जो मैं जिनको इनवाइट करने वाला हूँ वो है राजकुमार जी, क्योंकि इनका नाम ही राजकुमार है, तो मेरे को लगा कि यार सबसे पहला शायद हर किन्हीं का ही बनता है कि मंच के सबसे पहले यही आए और ये दिखाएं कि ये शब्दों के भी राजकुमार है। तो एक बार जोरदार तालियां राजकुमार जी। रह गया हाथ में वो वादे से, रह गया हाथ में वो वादे से, सांप लिपटे थे उस खजाने से। क्या बात, क्या बात। रह गया हाथ में वो आने से, सांप लिपटे थे उस खजाने से, हाल तेरा भी मेरे जैसा है, हाल तेरा भी मेरे जैसा है, मैं भी बर्बाद हूँ जमाने से। क्या बात। हाल तेरा भी मेरे जैसा है, मैं भी बर्बाद हूँ जमाने से, आखिरश नींद से ये पूछ लिया, आखिरश नींद से ये पूछ लिया, किसने रोका है तुमको आने से। तो जिशान भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां, ठीक है। कि नाप के नीचे से मोहब्बत करने वालों को ख्याल भी वहशत है, ऐसे दिल वालों को कि उनको आशिक कह के इसको तार तार करते हो, आग क्यों नहीं लगाते ऐसे मजलिस वालों को। पहले तुझसे रूह के दावे, फिर तेरा जिस्म ठगेगा, क्या खाक खानदानी कहूँ ऐसे खानदान वालों को। वीर भी उनमें से एक है जो इस सब तिजारत शौक से करता है, ये पहले खुद पे लाना था, बाद में जमाने वालों। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा निकी मैम से आए और आप भी कुछ लाइनें जरूर सुनाएं हमारी माइकल। कहीं भी कोई मुझे उस एक शख्स सा ना लगे, कहीं भी कोई मुझे उस एक शख्स सा ना लगे, खुदाया ऐसे कभी मोहब्बत की हवा ना लगे।
व्हाटएवर कि ख्याल उसका कभी भी रहे जरा न जुदा, ख्याल उसका कभी भी रहे जरा न जुदा, जुदा भी हो के शख्स वो मुझे जुदा नहीं। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा अब जो हमारे अगले जो परफॉर्मर हैं संदीप जी, तो आइए मैं चाहता हूँ स्वागत करें आप लोग इनका। कि पल एक नहीं लगता है गगरी को आधा होने में, कि बिगड़ जाती है बातें भी अक्सर ज्यादा होने में, बिगड़ जाती है बातें भी अक्सर ज्यादा होने में, और उल्फत इतनी आसान नहीं जितना सोचा है तुमने, कि उल्फत इतनी आसान नहीं जितना सोचा है तुमने, कि मुद्दतों लग जाते गोपी से राधा होने में। इनका असली नाम वैसे तो अभिषेक है, लेकिन आप लोग इनको बैरागी के नाम से जानते होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार ताली से। गर देखे मुझको कोई तो मैंने खोया कुछ भी नहीं, कि गर देखे मुझको कोई तो मैंने खोया कुछ भी नहीं, अगर मैं बताऊं तुम्हें तो मेरे पास बचा कुछ भी, अगर देखे मुझको कोई तो मैंने खोया कुछ भी नहीं, अगर मैं बताऊं तुम्हें तो मेरे पास बचा कुछ भी नहीं, जिसके यकीं पे काट दी कतरा कतरा जिंदगी, कि जिसके यकीं पे काट दी कतरा कतरा जिंदगी, मुझ पे यकीं करो ये सब बेवजह यकीन कुछ भी नहीं, मुझ पे यकीन करो यकीन बेवजह यकीन कुछ भी नहीं। तालियां हो जाए इसके लिए जोरदार। सबसे पहले थैंक यू सो मच, और भैया ने पहले बोल दिया कि मैं उम्र में सबसे छोटा हूँ, तो मेरे से ज्यादा उम्मीदें मत रखना आप। सबसे पहली बात उसकी मासूमियत से है प्यार हमें, पर चालाकी है इनकार हमें, उसकी बेवफाई का यकीन भी पूरा है, क्या पता समझ जाए इसी का इंतजार है। प्यार भी करती है इजहार भी करती है, झूठा ही सही एतबार भी करती है, पर कुछ आदतें बदलने का नाम नहीं लेती, दिल में रहकर दिल पर वार भी करती है। प्यार भी करती है इजहार भी करती है, झूठा ही सही एतबार भी करती है, पर कुछ आदतें बदलने का नाम नहीं लेती, दिल में रहकर दिल पर वार भी करती है, और उसी जुबान से कहती है वो यार हमें, उसकी मासूमियत से। तो जो हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं निहाल वीर जी। तेरी शक्कर जैसी बातों में मैं मिश्री सा भूल जाता हूँ, तेरी शक्कर जैसी बातों में मैं मिश्री सा भूल जाता हूँ, तेरी आंखों का काजल बनकर तुझमें शामिल हो जाता हूँ, तेरी जुल्फों के घने साए में मैं कहीं खो जाता हूँ, पर लेकिन कभी सामने आती है ना तो मैं नहीं रह पाता, मैं अक्सर तुम हो जाता हूँ। तो वैसे अगली हमारी पार्टिसिपेंट है, नाम है स्नेहा जी। क्या क्या रंग लाती है ये बारिश, बीते दिनों की याद दिलाती है ये बारिश, पहले भिगाती थी साथ में अब अकेला भिगाती है ये बारिश, हाय क्या क्या रंग लाती है। साथ ना होकर भी हम साथ हैं ये हसीन ख्वाब दिखाती है ये बारिश, आज साथ नहीं तो क्या हुआ एक दिन फिर साथ होंगे, ये कहकर दिल को सहलाती है ये बारिश, हाय क्या क्या रंग लाती है ये बारिश। स्वागत और बहुत बहुत आभार आने के लिए, चलिए मंच आपके हाथ है। इश्क दो चार रखो आपके लिए, इश्क दो चार रखो ताकि मलाल ना रहे, इश्क दो चार रखो ताकि मलाल ना रहे, ऐसे कुछ भी ना बोलो कि ख्याल ना रहे, इश्क दो चार रखो ताकि मलाल ना रहे, ऐसे कुछ भी ना बोलो कि ख्याल ना रहे, यूं तो करने थे कई सवाल तुमसे पर, यूं तो करने थे कई सवाल तुमसे पर, तुम सामने क्या आए मुझ पे सवाल ना रहे, तुम सामने क्या आए मुझ पे सवाल ना रहे, और हम जब भी बात करें हमारे बारे में, हम जब भी बात करें हमारे बारे में, थोड़े से कठोर शब्द हैं, कि हम जब भी बात करें हमारे बारे में तो ध्यान रहे बीच में कोई दलाल ना रहे, बीच में कोई दलाल ना रहे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कुलदीप जी का। कि मैं उसकी बूंदों में नहाना चाहता हूँ, यकीनन तुझको खुद में मिलाना चाहता हूँ, कि यूं तो नफरत है मुझे खुशबुओं से फूलों की, मगर तेरी पसंद का बागीचा भी रखना चाहता हूँ, यूं तो नफरत है मुझे खुशबुओं से फूलों की,
मगर तेरी पसंद का बागीचा भी लगाना चाहता हूँ। लोग कहते हैं मुझसे आशिक नहीं कोई दुनिया में, हो फना तुझ में हर जन्नत को पाना चाहता हूँ। विवेक से मल्टीगीगर, तो आज देखते हैं क्या लेकर आए हैं हमारे लिए। अच्छा, इन्हीं को ही सुनने आए हैं। चलो कुछ तो है जो वाक्य में इनको, और हम जितनी बार इनको सुन ले उतनी बार कम ही कम है, क्योंकि हम तो दिन रात ही सुनते हैं, लेकिन फिर भी कम लगता है। न जाने कौन सा मर्ज है दिल को मेरे, धड़कता है पर धड़कन सिमटती जा रही है, एक अजीब सा जहर घुल रहा है रगों में मेरी, हाथ से तेरे नाम की लकीर मिटती जा रही है। कुछ ख्वाब थे जो तुझसे जुड़े थे, कुछ ख्वाब थे जो तुझसे जुड़े थे, कुछ वायदे थे जो मुझसे जुड़े थे, सब कुछ धुआं हो रहा है, सांस घुटती जा रही है, एक अजीब सा जहर घुल रहा है रगों में मेरे, हाथ से तेरे नाम की लकीर मिटती जा रही है।